ग्रीन लेजर पॉइंटर, यहाँ पर रात में एजुकेशन टाइम, अंडर वाटर एंड ट्रेवलिंग के टाइम आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। चार पिक्चर बनाऊंगा एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन गिवन है, मेड इन चाइना है एज यू कैन सी हियर। सो चलिए हम लोग बॉक्स को खोलते हैं। सो ऐसा ज्वेलरी केस टाइप बॉक्स में प्रोडक्ट हमारा रिसीव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का बॉक्स है। सो ये हम लोग का लेजर पेन एंड दो रिमोट सेल आप लोग को देखने मिलेंगे एंड एक फोम विदाउट एनी यूजर मैनुअल एंड यहाँ पर ग्रीन लेजर पॉइंटर लिखा गया है। ये इसका ऑन बटन, ये इसका, इससे जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है, एनिमेशन अलग अलग तरीके से निकालता है लेजर का। तो चलिए हम लोग खोल के इसको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं इसका मैग्नीफाइंग ग्लास इसमें इनबिल्ट है और यहाँ से सिंगल पॉइंटर लेजर निकलता है। यहाँ पर डेंजर का लोगो बना है एज यू कैन सी। सो चलिए हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल लेते हैं और सेल इनपुट कर लेते हैं। सो सेल को कुछ इस तरीके से आप लोगों को सेटअप करके लगा लेना है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यह साइड डाउन की तरफ रहेगा एंड देन इसको आप लोगों को क्लॉकवाइज घुमा के टाइट कर लेना है। एंड जैसे आप लोग इसमें प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं लेजर आउटपुट हो रहा है। सो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा लेते हैं, इसका कैप है ये, इससे एनिमेशन अलग अलग तरीके से शो होता है। सो चलिए लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने इसको वॉल में प्रोजेक्ट किया है। इसका रेंज ऐसे तो गिवन है 130 FT तक दिया गया है एंड वेवलेंथ 630 nm दिया गया है। हम लोग इसमें रियल में टेस्ट करके देखते हैं इसको रेंज कितना तक जाता है। ये इसका सिंगल लेजर पॉइंटर है एंड अभी मैं रात में घर से बाहर निकल गया हूँ एंड अभी इसको हम लोग एक 100 meter के दूरी के तेर पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं ये पहुँचेगा कि नहीं। ये इजीली पहुँच गया, देख सकते हैं आप लोग, क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे देगा। एंड अभी इसको वाटर टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वाटर टेस्ट भी करिएगा। सो चलिए, सो ये पानी के थ्रू ट्रेवल करता है कि नहीं पहले मैं आप लोगों को वो दिखा दे रहा हूँ। एंड अभी इसको हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में खोल लेते और पानी में पूरा भिगो देते हैं अच्छे तरीके से, ड्रॉप करके इसको देखते हैं, थोड़े टाइम रहने देंगे कि देखेंगे ये सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। एंड इसके कैप को भी ऑल्सो ढाल देंगे पानी में। सो लगभग आफ्टर 5 मिनट में इसको निकाल रहा हूँ एंड देखेंगे कि ये सर्वाइव कर रहा है कि नहीं।
चलिए अभी हम लोग इसको अटैच करते हैं और स्विच को प्रेस करके देखते हैं इसका हालत। तो देख सकते हैं ये थोड़ा पानी से डिफेक्ट हुआ है, इससे लेज़र आउटपुट नहीं हो रहा है। थोड़े टाइम हम लोग इसको सूखने देते और बाद में देखते कि ये काम करता है कि नहीं। एंड आफ्टर 5 मिनट देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो मतलब कि ये वाटरप्रूफ है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।